हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया एंड वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन माय चैनल श्रेया नॉलेजर। सो गाइज, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है एंड कैसे आप अपने बिजनेस के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। सो गाइज, बहुत ही डिटेल में आज इस चीज़ को हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। एंड गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड गाइज, वन मोर थिंग, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना गाइज बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो गाइज, अब आगे बढ़ते हैं एंड अब हम बात करते हैं अबाउट वन मेन टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है। सो गाइस, फर्स्टली एज हियर यू कैन सी, नाउ इट इज़ हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल यूज सोशल मीडिया डेली, दे ट्रस्ट द इंडिविजुअल्स दे फॉलो, सो इट माइट बी अ गुड आइडिया फॉर बिजनेसेस टू रीच आउट टू दोज इंडिविजुअल्स ऑन सोशल मीडिया हु हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड अ हाई एंगेजमेंट रेट। कंपनीज में आस्क दोज पर्सन्स टू पब्लिश सोशल मीडिया कंटेंट दैट प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इफ पीपल सी समवन दे फॉलो एडवर्टाइजिंग योर बिजनेस, देयर इज एन इनहेरेंट ट्रस्ट फैक्टर दैट मे बूस्ट योर कन्वर्जन रेट। सो गाइस, जैसा कि सभी जानते हैं कि अभी हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल डेली सोशल मीडिया यूज़ करते हैं गाइस, एंड अपने मोस्ट ऑफ द फ्री टाइम में वो सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते हैं। एंड गाइस, वो सोशल मीडिया पर उन लोगों को फॉलो करते हैं जिनको कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं। एंड गाइस, वो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स जब भी कोई बात बोलते हैं, कोई भी बात अपने वीडियोस में वो बोलते हैं, तो गाइस उनकी जो ऑडियंस होती है, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, उन पर वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं गाइस, उनसे बहुत कन्विंस होते हैं एंड उनसे बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड इसी वजह से गाइस हम उन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। सो गाइज, अगर हम अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हैं, एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो गाइज बेसिकली हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो गाइज हम पेड कैंपेन्स अपने रन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फॉर एग्जांपल हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, किसी पर भी अपने पेड कैंपेन्स रन कर सकते हैं, या फिर हम गूगल एड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। या फिर गाइज हमारे पास दूसरा तरीका ये होता है कि वो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स जिनके कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा हाई एंगेजमेंट रेट है, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए। गाइज, हम उनको बोल सकते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज को एडवर्टाइज़ करते हुए, प्रमोट करते हुए, बहुत ही एंगेजिंग एंड अपीलिंग कंटेंट क्रिएट करके आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पेजेस पर आप पब्लिश कीजिए। एंड गाइज, आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर सकते हो कि आप उसके अगेंस्ट, उस सर्विस के लिए आप उन्हें कितना अमाउंट पे करेंगे। एंड गाइज, साथ ही साथ आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि अगर उनके इन्फ्लुएंस के, उनके इन्फ्लुएंस से या फिर उनके वीडियोस के थ्रू कोई भी सेल आपके प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की होती है, तो आप उन्हें उनके अगेंस्ट एक फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन भी चाहें तो पे कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट गाइज, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी उनके फॉलोअर्स उन्हें आपके प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को एडवर्टाइज़ करते हुए देखेंगे, तो उनसे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, कन्विंस होंगे एंड उन पर वो ट्रस्ट करेंगे। एंड गाइज, उससे आपका कन्वर्जन रेट, आपकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। एंड गाइज, हो सकता है वो इंस्टेंटली भी कन्वर्ट हो जाए। एंड गाइज, अगर वो इंस्टेंटली, मान लीजिए, कन्वर्ट नहीं भी होते हैं, तो जब भी उन्हें आपके नीच रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले आपके ब्रांड का, आपके बिजनेस का नाम उनके माइंड में आएगा एंड वो आपको ही प्रेफर करेंगे। सो गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर यू। एंड गाइज, एक और चीज़ आपके लिए यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो हमेशा आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे गाइज, वो उसे सेल नहीं करेंगे, बिकॉज गाइज उनकी ऑडियंस उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है एंड वो कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे कि उन्हें, उनकी क्रेडिबिलिटी को कोई भी छोटा सा भी नुकसान हो। सो गाइज, वो आपके प्रोडक्ट्स को हमेशा रिकमेंड करेंगे। एंड गाइज, अब उनका सिर्फ रिकमेंड करना ही आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि उनकी ऑडियंस उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। एंड वन मोर थिंग गाइज, कि जब भी
आप अपने इन्फ्लुएंसर्स को चूज कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना, ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो इन्फ्लुएंसर्स जो है, वो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स जो है, वो आपकी निश से रिलेटेड है या फिर नहीं। बिकॉज गाइज, मान लीजिए वो आपकी निश से रिलेटेड नहीं है, तो वो आपका एंगेजमेंट रेट, आपके जो पैसे हैं, वो भी वेस्ट हो सकते हैं गाइज, एंड उनकी ऑडियंस भी उससे एंगेज नहीं होगी। एंड गाइज, इसे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बेबी केयर प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमारी कंपनी जो है वो बेबी केयर प्रोडक्ट सेल करती है, राइट? सो गाइज, हमें उन इन्फ्लुएंसर्स को, उन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को चूज करना है जो कि बेबी केयर प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं अपने वीडियोस में, या फिर उनकी टिप्स देते हैं, या फिर वो पेरेंटिंग रिलेटेड टिप्स देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। हमें उन इन्फ्लुएंसर्स को चूज करना है जो कि हमारी ऑब्वियसली निश्चित रेलेवेंट है गाइस। एज हियर यू कैन सी इन्फ्लुएंसर विद अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड इन पेरेंटिंग और प्रमोटिंग बेबी केयर प्रोडक्ट्स। बिकॉज गाइस, मान लीजिए हम अपने बेबी केयर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए उन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स की हेल्प लेते हैं जो कि फॉर एग्जांपल फैशन ब्रांड रिलेटेड टिप्स देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनसे रिलेटेड वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। सो गाइस, क्या उनकी ऑडियंस जो है, उनके फॉलोअर्स है, हम उस कंटेंट से जिसमें कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं उससे वो एंगेज करेगी, या फिर उन्हें कोई भी इंटरेस्ट होगा उसमें? नहीं। बिकॉज गाइज, वो उन्हें फैशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही इंटरेस्ट है, इसलिए उन्होंने उनकी ऑडियंस ने उन्हें फॉलो किया है। सो गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने निश रिलेटेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ही चूज करें। नेक्स्ट गाइज, एज हियर यू कैन सी इन्फ्लुएंसर रिकमेंड्स योर प्रोडक्ट्स इन हिज सोशल मीडिया कंटेंट, इमेजेस और वीडियो। इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने जो सोशल मीडिया कंटेंट होगा उसमें आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करेंगे इमेजेस या वीडियोस के थ्रू। एंड नेक्स्ट गाइस, अल्टीमेटली पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड और कन्विंस्ड टू परचेज योर प्रोडक्ट। एंड गाइस, जब वो आपके प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को रिकमेंड करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके ऑडियंस उनसे कन्विंस होकर आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट हियर वी कैन सी हाउ टू क्रिएट एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सो गाइस, अब आप ये जानेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए इफेक्टिव इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो। सो गाइज, फर्स्टली हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई योर कैंपेन गोल्स। सो गाइज, सबसे पहले आपको आपके जो कैंपेन गोल्स हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस वजह से अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल गाइज, क्या आप सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस चाह रहे हो, या फिर आप सेल्स चाह रहे हो अपने प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की सेल्स चाह रहे हो, क्या आप चाह रहे हो? आपको ये चीज़ को डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, उसी के बेसिस पे आप अपनी नेक्स्ट जो कम्प्लीट स्ट्रैटेजी है उसी पर डिपेंड करेंगे, एंड उसी के बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट गाइज, डिटरमाइन योर टारगेट ऑडियंस। सो गाइज, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस जो है उसको आपको डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन लोगों को आपके प्रोडक्ट्स की, आपकी सर्विसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, किनको आपके प्रोडक्ट्स की नीड है, किनको सबसे ज़्यादा डिमांड है, एंड उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपने इन्फ्लुएंसर्स को भी चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बेबी केयर का प्रोडक्ट्स का एग्जाम्पल लिया था गाइज, तो बेबी केयर प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होगी? ऑब्वियसली गाइज, पेरेंट्स को होगी, बिकॉज उन्हीं के पास बेबीज होते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट भी उन्हीं को होगी। सो हमें अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करना है गाइज। नेक्स्ट इज गाइज, सेट अप बजट। सो गाइज, आपको अपना जो बजट है उसको आपको सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गाइज, मान लीजिए आपका जितना बजट होगा ना, उसी के बेसिस पे आप अपने इन्फ्लुएंसर्स को भी सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइज, कि अगर आपका बजट मान लीजिए थोड़ा कम है, आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करने के लिए कैपेबल नहीं हो, तो आपको उसके बेसिस पे ही अपने इन्फ्लुएंसर्स को सिलेक्ट करना होगा। आप किसी सेलिब्रिटी को तब हायर नहीं कर सकते, बिकॉज गाइज ऑब्वियसली उनकी फीस ज़्यादा होगी बहुत ज़्यादा, तो आप उनके लिए, उनको हायर करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे, तो आपको उसी बेसिस पे अपने इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना होगा जितना कि आपका बजट होगा। बट गाइज, आपको इससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि सेलिब्रिटीज़ ही सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, कंपनीज हैं, जो कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को भी
सिलेक्ट करती है गाइज, उनको भी प्रेफर करती है अपने एडवर्टाइजिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एडवर्टाइजिंग के लिए, एंड उनसे भी बहुत ज़्यादा लोग गाइज इन्फ्लुएंस होते हैं। सो गाइज ये आपके लिए डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फाइंड द बेस्ट रिलेवेंट इन्फ्लुएंसर। सो गाइज जैसे कि हमने पहले भी बात की कि आपको अपनी निश रिलेटेड जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको चूज करना है, एंड साथ ही साथ गाइज आपको इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि सिर्फ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके सिर्फ फॉलोअर्स ही ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको ये भी चीज़ देखना है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उसमें से कितने फॉलोअर्स उनसे एंगेज कर रहे हैं। मान लीजिए उनके 50,000 फॉलोअर्स हैं एंड उसमें से वो 10,000 फॉलोअर्स भी उनके कंटेंट से एंगेज नहीं करते हैं, तो गाइस ये आपके लिए यूजलेस हो जाएगा उनकी हेल्प लेना, एंड आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज गाइज कोलैबोरेट टू क्राफ्ट इफेक्टिव कंटेंट। सो गाइज जब आप अपने इन्फ्लुएंसर्स को आप चूज कर चुके हैं, सो गाइज आपको उन्हें कुछ कंटेंट प्रोवाइड करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल गाइज आप कुछ उन्हें वीडियोज भी दे सकते हैं, कुछ इमेजेस भी दे सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। आप उन्हें अपने कुछ ऑफर्स या डील्स के बारे में भी बता सकते हैं, या फिर और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है आपके बिजनेस रिलेटेड तो वो भी आप उन्हें बता सकते हैं, जिससे कि वो बहुत ही इफेक्टिव कंटेंट आपके प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए वो क्रिएट कर पाए। नेक्स्ट इज गाइस ट्रैक मैट्रिक्स एंड ऑप्टिमाइज योर स्ट्रैटेजी। गाइस जब सारी चीज़ें आपने कर ली, आपके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें कंटेंट क्रिएट करके उसे पब्लिश भी कर दिया, तो गाइस अब आपको मैट्रिक्स को ट्रैक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज आपने मान लीजिए आप या तो एक इन्फ्लुएंसर को भी आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर कई सारे इन्फ्लुएंसर्स की आप हेल्प ले रहे हैं, तो आप ये चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि किस इन्फ्लुएंसर से कितना ज़्यादा एंगेजमेंट आपको मिला, कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट हुआ, कितना कन्वर्जन किससे मिला, या फिर किस में कितना बजट लगा, किसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कैंपेन था। ये सारी चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, एंड उसी के बेसिस पे गाइज अपनी स्ट्रैटेजी को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, एंड स्टिल गाइज अभी भी आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, एंड गाइज बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। Thank you so much guys for watching this video.